है नहीं कि बाद का मसला आए हैं। साड़ी नीयत यह है कि सही बात जी सानू समझ आ जाए, तुहानू समझ आ जाए, साड़ी गलतफहमियां दूर हो जाए। असल मकसद यह किसी बंदे नूं ढाउणा मकसद नहीं है, किसी बंदे नूं नीचा दिखाना मकसद नहीं है। अखलाकियात का मजार सब तो पहले जिहड़ा है मुसलमान की शान है। पहले तो जाहिर बात है किसी ना मेल जोल देखना है ना। ये अगली बात है कि नजरिया की है और नजरिया ठीक कह रहे गलत कह रहा है, सब तो पहली ये बात है। इंशाल्लाह साड़ी तरफ ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होएगी कि तुम कहो जी इन्होंने अखलाकियात का मुजहरा नहीं किया या इन लोगों ने इस तरह किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह बात जी संजीदा अंदाज में होगी और इफामत फेम के मामले में इंशाल्लाह मसला हल होगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਇਲ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਕੋਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਇਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਇਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कोशिश है और तुहाडे जिहड़ी चीज़ां तुसीं पेश कर रहे ने उन्हां दी साडे विच इजाफा होना है। तुहाडे तों सानूं बड़ा फायदा होना है। सानूं कोई इस गल्ल दा शुक्रिया नहीं। तुसीं तशरीफ लै आओ तकरीबन जी। अपना मौका दसो, साडे बारे दसो, कोई तुहानूं साडे बारे। डेढ़ महीना पहले जी मेरे कोल किताब आई है। पहले भी किताब मेरे कोल आई सी। मैनूं अगर अकीदा मेरा गलत है मेरी ठीक हो जाए, मेरा अकीदा ठीक हो जाए और मैं सही कीते ते मर जावां, और अगर तुहाडा कीता ठीक है तो वह ठीक है गलत है, तुसीं अपनी सलाह कर लो। इस काम नूं जिन्ना लेट करांगे उन्ना ही ज़्यादा साडे वास्ते नुकसान है। इस करके मैं चाहना सी वी इह जल्दी चलो जिस तरह से चाहया करसी ओह रबी लब्बल ने रबी लब्बल च मेरे जलसे ने पूरा महीना जिहड़ा ना जी वह अगे तरतीब है कितना ना कितने बाहर अंदर। तो मेरी खुद नींद पूरी नहीं है, दो तीन दिन हो गए। अज भी रात में जलसा है, परसों भी जलसा से, रात भी जरा वा मेहमान की आमद रफ्त रही, मतलब कि मसरूफियत है। अगे मुसलसल मेरे को टाइम नहीं सी। मैं क्या फिर महीना डेढ़ महीना लेट हो जाओ तो परेशानी होगी। बस जरा जिस तरह खुशी है, जिस तरह खुश हो, जिस तरह तुम राजी हो, बाकी असं तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। टाइम दिता है कोई बात और इस पर बैठे हाँ और अपने को इंशाला पहली मजलिस नहीं है। इंशाला नवे लाहौर कहोगे तो नवे लाहौर भी बैठा, एक बार कहोगे दो बार कहोगे चार कहोगे। साली ते डिमांड ही नहीं, दीन जेड़ी है ना ये समझ समझाता ना है। असि इंशाल्लाह अगर जिन्नी देर जिंदगी है दीन नु समझ दे समझांदे रहवांगे। अगर मैनू समझ नहीं तो मैं समझदा रहवांगा, अगर मैनू समझ मैं समझांदा रहवांगा। ज्यादा ये तो अपना पुराने करीम नु सीखना और सिखाना है तो एक बेहतरीन मनसब है और अलहमदुल्ला बेहतरीन शोभा है और बेहतरीन अमल है। ये स्वच्छा अमल कहड़ा है ज्यादा इस पर इंशाल्लाह परेशानी वाली बात कोई नहीं है। दो घंटे ਜੋ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਤੇ 15 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ-ਏ-ਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਕਬਰ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਸਵਾਬ ਪਰ ਹੱਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਬਰ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਮੈਂ ਮੁਕਦਮਾ ਸਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹੱਕ ਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ 1213 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ 1263 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਰਾ ਸੋਤਲ ਕੁਰਾਨ ਵਸ ਸੁਨਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਂ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬਾਸ ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਕਲ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਥੋੜੀ ਲੜਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਰਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਵਾਇਆ ਗੈਰ ਸਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਅਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਚੋਰੀ ਆ ਗਏ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਮਾ ਦਰੂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ
देखो कुरान नहीं पेश कर तमहीद बन ली अपनी बात की ताकि सानू समझ आ सके असी पूरी उम्मत को समझाना है इंशाअल्लाह ताला जेड़ा भी सही बात हो कुरान असी पेश करना है कुरान तुसी पेश करना है और सवाल यह कि कुरान जरा असी पेश करिए असी माना पेश करना है अपने नजरिए मुताबिक तुसी कुरान की आयत पेश करनी है अपने नजरिए फिट करना है साडा फैसला कैसे होएगा भी जी कुरान की आयत तुसी बयान कर दिए या माना तुसी बयान कर दे वह ठीक है या जरा मैं बयान करता वह ठीक है यह फैसला कोई चीज़ करेगी एक एक मिनट जी मैं थोड़ी बात कर मैं तो नोट करेगा टाइम नोट करो यार बस 5 मिनट जरा मैंने दो फिर राइट साहब दो फिर दो टाइम की हो जाएगा एक बंदा ड्यूटी ले रहे तो 5 मिनट हो गए ना उस तो बाद जड़ा वो मतलब हाथ खड़ा कर दे 5 मिनट हो गए ठीक उस तो बाद तू मेरे टाइम और तो की टाइम है जी 36 मिनट बाद 36 मिनट से मैं दस देना आ अपना 10 मिनट 36 मिनट हां जी 50 मैं गुफ्तगू कर देना इंशाल्लाह ताला कुरान करीम की आयत आएंगी मैं भी कुरान की आयत पेश करूंगा और चौधरी साहब भी कुरान की आयत पेश करेंगे आप कुरान का माना ये भी बयान करेंगे मैं भी बयान करूंगा मैं जो माना बयान करूंगा तो ये साबित करूंगा कि भाई अजाब कब्र सवाब कब्र जो है कब्र की ज़िंदगी जो है ये कुरान करीम में मौजूद है और ये जो याद पेश करेंगे ये कहेंगे अजाब कब्र सवाब कब्र हो कोई चीज़ नहीं और कब्र की ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है अब सवाल है मेरे और इनके दरमियान फैसला कौन सी चीज़ करेगी फैसला करने के लिए किसी को हमने फैसला बनाना है इतने लोग बैठे हैं अगर मैं फैसला अपने बुजुर्गों को बना लूँ इनको बना लूँ इनको बना लूँ तो शायद इन लोगों में क्वालिटी नहीं है फैसला करने की हम फैसला बनाएंगे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को क्यों इसलिए कि कुरान करीम हुजूर नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस पे नाज़िल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी लगाई है कि इस कुरान करीम की वजाहत आपने करनी है इस कुरान को आपने समझाना है लिहाजा अगर हमारा और आपका किसी मसले में इख्तिलाफ़ है और उस मसले से मुतल्लिक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है वजाहत आपके हक में होगी तो आपकी बात मोतबर है मेरे हक में होगी तो मेरी बात मोतबर है अब देखें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया वअनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने आपकी तरफ कुरान करीम को नाज़िल किया है ताकि आप लोगों के सामने इसकी वजाहत पेश करें आप इसकी तशरीह पेश करें ठीक है अब इसकी तशरीह पेश करना हुजूर नबी पाक सल्लम का हक है और हम ये हक हुजूर नबी पाक सल्लम के साथ इसको देंगे और आपने क्या वजाहत फरमाई कुरान करीम की आयत की अगर आपके अकीदे के मुताबिक फरमाइए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत पेश करेंगे आपका फैसला और जो मैंने बात पेश करूँगा या की है अब तक अब उसमें मैं हुजूर नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस को सामने लाऊंगा भाई देखो हुजूर सल्लम का फैसला मेरे हक में है फैसला तो कोई ना कोई चाहिए ना जी नंबर एक हुजूर नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस कुरान करीम कहता है इन तनाज़ातुम फी शैइन फुरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल तुम्हारा किसी बात में झगड़ा हो जाए अल्लाह उसके रसूल की तरफ उठाओ कुरान पाक को आप भी पढ़ेंगे मैं भी अब उसके बाद रसूल की बात है रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या फरमाया इस मसले के मुतल्लिक इस अकीदे के अंदर आप पूरे का पूरा दीन उम्मत मुस्लिम को समझा कर गए हैं आपने हमें हुजूर नबी पाक सल्लम के फरमान से बताना है कि आप सल्लम ने इस आयत का माना ये बताया कब्र में कोई अज़ाब सवाब में कोई ज़िंदगी नहीं ठीक है और मैं साबित करूंगा हुजूर नबी पाक सल्लम ने जो है अजाब और सवाब की बात की है और लिहाजा कुरान करीम के आयत की रोशनी में आपका फरमान यह है नंबर दो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लम के दीन को पूरी दुनिया में फैलाने वाले खुलफाए राशिदीन हैं खुलफाए राशिदीन की वजह से पूरी दुनिया में दीन फैला है अब खुलफाए राशिदीन जो पूरे दीन के तर्जमान और दाई हैं और फैलाने वाले हैं उन्होंने इन आयात के मुतल्लिक या इस मसले से मुतल्लिक क्या कहा है अगर खुलफाए राशिदीन कहते हैं कि कब्र में अजाब नहीं होता बात आपकी ठीक है अगर खुलफाए राशिदीन कहते हैं कि भाई अजाब कब्र होता है तो बात मेरी ठीक है नंबर तीन इसके बाद जो अगला मसला कि भाई खुलफाए राशिदीन के बाद आम सहाबा किराम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा किराम को इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है जन्नत की कुल्ला वादल्लाहुल हुस्ना रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान रज़ा का ऐलान भी किया है अब सहाबा किराम गैर मुतनाज़े शख्सियात हैं और उन्होंने कुरान करीम पर इस तरह अमल किया जिस तरह करने का हक था इसी वजह से अल्लाह पाक ने उनको दूसरे लोगों के लिए मयार भी बना दिया और फरमाया सहाबा किराम जैसा ईमान लाओ अकीदा अख्तियार करोगे तो कामयाबी है फरमाया फ इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ
अगर ये काफर मुनाफिक लोग ईमान ले आए जिस तरह के ऐसे सहाबा तुम ईमान लाए हो तो फिर वक़्त तो हिदायत पे आएंगे। अब सहाबा का ईमान क्या है अज़ाब क़ब्र के मुतलिक आप बयान करेंगे, अगर आपके अकीदे के मुतलिक उनकी वजाहत है तो आप कामयाब हैं और आपकी बात ठीक है, अगर सहाबा के नाम मेरे शहादत मेरी बात ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है आप देखेंगे अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें आ गई हैं, आप फौजों की फौजें करोड़ों अरबों मुसलमान उस वक्त से लेकर जब से इस्लाम है आज तक मौजूद हैं, उम्मत मुस्लिमा का अकीदा नजरिया क्या है। हुजूर नबी सल्लम भी फरमाते हैं, कुरान करीम भी ये फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगला स्टेप ये बात का इतबार हो गया, पूरी उम्मत इस मसले पर इकट्ठी है, वो क्या है उम्मत मुस्लिमा क्या है। कुरान कहता है मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर और रास्ते पर आने वाला आदमी दोस्ती है। जी पेश कर जी बात यह है कि कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरान है आप ही के कहने पर हम इस कुरान को सच्ची किताब मानते हैं कि आपको सच्चा मानते हैं। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान लाजम फरमाया, आपने फरमाया कि मेरा कलाम नहीं अल्लाह का कलाम हमने सच माना और आपको और इस किताब को सच्चा माना। उसके बाद कुरानी आयात आई जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि आपका हक है कि आप उसकी तशरीह करें, ठीक हो गया। जो तशरीह रावियान ने आपके ज़िम्मे लगाकर नकल की है, मुहद्दिसीन ने उस पर बहसें उठाई हैं कि ये हदीस साबित है या नहीं है, ये आपका कौल साबित है या नहीं है, उसूल हदीस लिखे हुए हैं और कौन नहीं जानता कि इमाम बुखारी लाखों हदीसों में से उनको छोड़कर गिनती की हदीसें मुकर्रात को छोड़ने तो 4000 से ज़्यादा नहीं बनती वो रखी हैं बाकी छोड़ दी। इमाम मुस्लिम ने भी ऐसा क्यों, इसलिए कि उसूल हदीस का तरीका ये है कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है क्या अब वाकई आपका ये कौन साबित है, उसके लिए मुहद्दिसीन ने असूल बनाए, हमने तो बनाए नहीं, मुहद्दिसीन ने रावियों के मरातबों को मुकर्रर किए, रावियों के मुतल्लिक जरा भी मुहद्दिसीन ने की हमने नहीं की। जब ये जरा आ गई तो जरा ने साबित किया कि ये कौन फला कौन जिसमें बताया गया है कि कुरान की इस आयत का ये मतलब वो साबित नहीं हो रही रवायत, वो रवायत अजरुबे रवायत असूल दरायत साबित नहीं हो रही, कुरान उसको साबित नहीं कर रहा। कुरान साफ कह रहा है कई फ़क्त खून बिल्लाए बकुल तुम अमातन आहिया तुम सुम उम्मीद तो तुम सुम ली तुम सुम तो जाओ तुम अल्लाह की कुदरत का कैसे इनकार करोगे, तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें ज़िंदगी दी फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा उसके अपने रूह खड़ा करेगा। अब जनाब इस आयत करीमा के अंदर दो जिंदगी और दो मौतों का जिक्र है, अब अगर कोई रवायत हमें तीसरी ज़िंदगी बताएगी तो उसको चेक किया जाएगा कि ये साबित हुआ करें। लिहाजा असूल रवायत पर हमने इस किताब के अंदर बहस करके दिखाया कि जिन अकवाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूद करके साबित करने की कोशिश की गई है कि अज़ाब कब्र होता है और कब्र में ज़िंदगी है वो अकवाल साबित नहीं हो रहे, क्योंकि मुहद्दिसीन खुद उनको उन रावियों को मुदल्लिस बाद मज़हब शिया वगैरह वगैरह साबित कर रहे हैं, हमने नहीं किया। बस को उन्होंने मौजूआत तक बयान कर दिया कि ये शख्स जो है ये मौजूआत बयान करता था मनगढ़ तरीके करता था, ये किताबों में लिखा है, ये असूल है, इस असूल पर किसी भी कौल को जब भी आप पेश करेंगे कि नबी सब ने यह फरमाया उसको साबित करना होगा, उसको साबित करना होगा कि वाकई ये रसूल का कौल है रवायत की रूह से दरायत की रूह से। बात की है अज़ाब क़ब्र की रिवायात से मुतल्लिक, जब मैं कोई रिवायत पेश करूँगा फिर उस पर जरा बिता, अभी तक रिवायत की बात नहीं आई, अभी तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कुरान करीम की आयत हम दोनों ने पढ़नी है और उसका माना उसका मतलब हुज़ूर नबी पाक सल्लम खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा किराम से पेश करना है, इसलिए कि उनको अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर अच्छे अकीदे और अच्छे अमल की वजह जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है,
अब अगली बात, मैं अगर कोई रिवायत पेश करूं उस पर आपको जरा हो मत, आप मुझे जरा दिखाएंगे मैं मानूंगा। असल किताब से आपने पेश करनी है जरा। नंबर एक चीज, मैं किसी किताब के वाले को नहीं मानता। चौधरी साहब, आप जितने वाले इस किताब में दिए हैं वो सब नासबी और खारजू किताबों के हैं। आपने मजहबी दास्तानों के हवाले दिए, मैं किताबें लेकर आया हूँ कांदरी जो है खारजी और नासबी है। और आपने तमन्ना इमादी के हवाले दिए जो 15वीं सदी का मौलवी है और नासबी और खारजी है। नासबी खारजी का मतलब क्या? जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा नहीं मानता, हजरत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को सहाबी नहीं मानता, और फातिमा के जितने फजाइल हैं नाम लेकर उसने एक एक हदीस को गैर मुतबर करार दिया है। और आपने खुद अपनी किताब में लिखा है कि नासबी की बात का एतबार नहीं है। आप कहीं हवाला खोल के दिखा दूंगा। जो आदमी नासबी है, आपने दुनिया के उलमा को पीछे रख के 15वीं सदी के नासबियों को जो कि मुनकर हदीस परवेज है, इनकी बात आपने तमन्ना इमादी, हबीब रहमान कांदलवी और इसी तरीके से जो है वो गुलाम अहमद परवेज और अमीर इस्लाही, ये वो लोग हैं जो मुनकर हदीस अपने मतलब की हदीसों को लेते हैं, मतलब को छोड़ देते हैं। 15वीं सदी के मौलवी हैं। आप मुझे अपनी किताब में कौन सा ऐसा आलम है उसका हवाला निकाल के दिखाएं जो अजाब कब्र का मुनकर हो और आपने उसका हवाला पेश किया हो। आपने खारजी किताबों से सरका करके चोरी करके सफात के सफात निकल कर दिए। किताब लिखना बंद कमरे में बैठ के बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बुजुर्गो सामने आके बात करना दलाइल से हकायक से बड़ी है ये अगर असल बात है। अब आपने आयत पेश की है, मैंने कहा आप आयत पेश करें हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह पेश करें। आप इस आयत से मुतल्लिक तशरीह पेश करें, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि कब्र के अंदर अजाब और सवाब नहीं होता, जो आपने आयत पढ़ी है। कई वतकफून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, जो आपने आयत पेश की है इसमें अल्लाह रब्बुल ने फरमाया ठीक है तुम कैसे जो है कुफ्र करते हो, कुंतुम अमवातन तुम मुर्दे थे, फअहयाकुम अल्लाह पाक जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम फिर अल्लाह तुम्हें मौत देगा फिर जिंदा करेगा। अब मेरा सवाल है आपसे, यहाँ सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहजीकुम से मुराद क्या है? ये हजूर ने बसर इसके मुतल्लिक क्या फरमाते हैं? आप इसकी वजाहत पेश करेंगे। देखिए आप कहते हैं, आपने अपना मुद्दा किताब में बयान किया है कि दो जिंदगियां दो मौतें हैं, अगर कब्र की जिंदगी को मान ले तीसरी जिंदगी को मानना पड़ेगा। देखे जो दुनिया की जिंदगी है और कब्र की जिंदगी है, अपना क़यामत की जिंदगी है बाद की, ये दो जिंदगियां कामल जिंदगियां हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आज मैं जिंदा हूँ, क़यामत के बाद भी इस तरह जिंदा होऊंगा। जो कब्र की जिंदगी है ये मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, ये नाउमिनल हयात है। ये फुकहा ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया और दुनिया के हर इल्मी तबके ने बात बयान की है, मुस्तकिल हयात नहीं है बल्कि इतनी हयात है जिससे अजाब या सवाब महसूस हो सके। चूंकि मुस्तकिल हयात नहीं है इसलिए इसका तज़किरा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तीसरी जिंदगी का शोर नहीं। देखिए जिस तरह का देखें, माँ के पेट में बच्चा जिंदा होता है, माँ के पेट में। आपने आयत की कई फतफून बिल्लाह तुम अमवातन फअहयाकुम, तुम कैसे कुफर करते हो, अल्लाह पाक ने तो तुम मुर्दा थे अल्लाह जिंदा किया। आप मुझे बताएं दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में आप जिंदा थे या फौशदा थे? कुरान कहता है अमवातन, जबकि आप जिंदा थे। मेडिकल भी ये कहती है आप जिंदा थे। फिर आप मुझे बताएं जिस तरह कब्र जिस तरह माँ के पेट की जिंदगी है, हम जिंदा होते हैं माँ के पेट के अंदर, लेकिन कुरान ने उसको जिंदगी शुमार नहीं किया। क्यों? इसलिए कि दुनिया की जिंदगी और क्यामत की जिंदगी जो है इसके मुकाबले में वो जिंदगी अधूरी है। इस जिस तरह के माँ के पेट की जिंदगी उसको दुनिया का हर आदमी मानता है और मुस्तकिल जिंदगी नहीं है लेकिन जिंदगी है, इसी तरह जो है कब्र की जिंदगी ये भी जिंदगी है लेकिन मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, इसलिए इसको जिक्र नहीं किया। अगर आप कब्र की जिंदगी इनकार करते हैं तो फिर माँ के पेट में बच्चा जिंदा है उसका भी इनकार कर दे, मुर्दा है। पहली बात यह है कि अल्लाह का ये खुद साख्ता इस्तेमाल है आपका, यहाँ बच्चे की बात ही नहीं, यहाँ तो इंसान के पैर दुनिया में आने की बात है। जाएं पीछे आदम तक चले जाएं, फिर आदमों को भी निकाल दें, मिट्टी पर जाएं, कहाँ था इंसान बताएं मुझे? जब मिट्टी नहीं थी, जमीन ही नहीं थी, कहाँ था इंसान? इतनी बात बताएं, साबित करें, बताएं ना। जरूरी है 5 मिनट फिर बहस का तरीका देगा। बात तो ये है कि मैंने जो बात कही है कि तुम अच्छा आप ये तराजम जो है, इन्होंने तराजम की बात की, मैंने कोशिश की है कि तराजम भी उलवा के देखो अपने, मैंने तराजम की बात नहीं। खैर खैर बात तो तुम बच्चे को साबित करो, कहाँ इस पर शायद में बच्चे का जिक्र, इसमें तो जिक्र है इंसान के ना होने का, सिर्फ इंसानी वजूद के ना होने का, अदम का।
तुम कहाँ बच्चे को ले आए हो घिसीट के दरमियान में, यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और कौन नहीं जानता कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जब आदम दुनिया से पैदा नहीं हुए थे कहाँ थे, मिट्टी से पैदा हुए, जब मिट्टी भी नहीं थी कहाँ थे, समझाए। इसको कहते हैं कि तुम नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, इसको कहते हैं। इसको आप बच्चे पर ले आए हम आज के साथ, गलत है आपका सुनना। एक बात, दूसरी बात ये आप जिसको चाहें गाली दें, आप कहें तमन्ना नास्ती है, आप कहें हबीब रहमान हाफिज हबीब रहमान नास्ती है, वो हनफी था देवबंदी था, उसके फतावे मौजूद हैं हनफियत के हक में। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम किसी आलम को गाली नहीं देते, आप देते हैं देते रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं इससे। आपने कहा नास्ती है, आपके कहने की कोई हकीकत नहीं है कि फ़लाँ नास्ती है, आप तो कहते रहते हैं मुनकर हदीस है फ़लाँ मुनकर हदीस है फ़लाँ मुनकर हदीस है, कहे आप कहते हैं, आपके कहने से वो मुनकर हदीस नहीं बन जाएगा, क्योंकि टोटली हनफी जो है ये एहसासता के मुनकर है। मैं दावे से कहता हूँ, आप ये किताबें पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम नसाई ने, इमाम अबू दाऊद ने किस किस किताब में रफाई दर्ज की थी, आप नहीं करते, क्यों नहीं करते, आप इनकार करते हैं। एक फिर के नहीं, मैं मिसाल देनी है, मिसाल तो मैं देनी है, टाइम पर बात नहीं, बात होगी दरमियान में, नासिर इमाम नहीं बोले, आप ना बोले, आप ना बोले, दो मिनट है, तो मैंने मिसाल दे दी कि ये जो लोग हैं अपने अपने फिरके की हदीसें मानने वाले, दूसरे को मुनकर हदीस कहने वाले, जरा अपना ख्याल करें ना, साबित करें ना अपना, जो कुछ तुम कर रहे हो, जो अमाल कर रहे हो वो हदीसों में कहाँ है, उनका तो इनकार करते हैं आप, दूसरों को कहते हैं मुनकर हदीस है, वो दूसरों को कहते हैं मुनकर हदीस है। इसलिए मेहरबानी करके आप किसी आलिम दीन को, वो किसी का बुजुर्ग है जिस तरह आपके बुजुर्ग, उसको मत गाली दें, मेहरबानी करके बस। जो नाश्मी है एक मिनट है, बाद मुकम्मल होगी तो फिर आई साहब ने कहा है कि हमें हक नहीं कि नाश्मी करें, हमने नाश्मी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद नासबियों वाले अकीदे अख्तियार किए, तब किया है। नासबिक फिरका है, एक फितना है जो अहले बैत आले रसूल के फजाइल का मुनकर है। मजहबी दास्तानें सारी चार जिल्दें अहले बैत के खिलाफ लिखी, आले रसूल के खिलाफ लिखी हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद वो नासबी हुआ है। आप मुझे बताएं नासबी की तारीफ क्या है, नुकुद की किताब खोल के दिखाएं या और किताबें हों, नासबी कहते किसको हैं, खारजी कहते किसको हैं। अगर अहले बैत के फजाइल के मुनकर को नासबी और खारजी कहें तो फिर जो है बात नहीं ठीक है, वो करना भी ठीक है। बाकी देखिए हम बात कर रहे हैं कुरान करीम की, आपने कहा कि आपने गलत इस्तदलाल किया है, मेरे इस्तदलाल को कुरान के खिलाफ करार दें, कोई हदीस पढ़ें, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पढ़ें। अब देखिए मैंने आपको बात समझाई है, देखिए कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चा जिंदा है और हर आदमी मानता है कि ये जिंदगी है, लेकिन अब कुरान की आयत पढ़े तो इस जिंदगी का सबूत उस आयत में नहीं है जबकि ये जिंदगी है। इसी तरह कब्र में जिंदगी है जबकि इस आयत का तस्करा नहीं, क्यों? इसलिए मैंने इस्तदलाल गलत नहीं किया, मेरे इस्तदलाल को कुरान की आयत के खिलाफ साबित करें। आप यहाँ दो जिंदगियों दो मौतों का तस्करा जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मैंने अभी सवाल किया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम से क्या मुराद है, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम से मुराद सुम्मा युमीतुकुम दुनिया की मौत है उसके बाद सुम्मा युहयीकुम ये कब्र की जो है ये कब्र की जिंदगी है, सुम्मा इलैही तुरजाउन ये आगे जो है आगे वाला मामला है। अगली बात आप कब्र की जिंदगी, मैंने कहा ये मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, कामल जिंदगियां दो हैं, एक दुनिया की एक क़यामत के बाद की। जिस तरह माँ के पेट में बच्चा जो है वो जिंदा है लेकिन मुस्तकिल जिंदगी नहीं है जिस तरह दुनिया वाली है, इसी तरह कब्र में आदमी जिंदा है, इतना शऊर है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की वजह से एक नई दर्जनों के इसमें अजाब और सवाब का मामला होता है, और कुरान करीम की आयात की वजह से इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ूंगा, आप परेशान ना हो, आपको हसद नहीं रहेगी मैंने कुरान करीम की आयत पेश नहीं की, आपका इस्तदलाल गलत है, या आप ये कह दें कि बच्चा माँ के पेट में जिंदा नहीं होता, आप पर मेरा सवाल है कई फतक फरूना ने इस आयात का तस्करा नहीं है, ये तीसरी आयात कहाँ से आ गई जो माँ के पेट की है, आप फिर बोले, आपने बात की है, इंशाल्लाह हमारा कोई मसला ऐसा नहीं है जो साबित नहीं है।
कभी आपकी हसरत और रफा ध्यान के मसले बात करने की, मैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम बुखारी साबित करूंगा तर्क रफा ध्यान उनके उस्तादों से, उनके शागिर्दों से, इमाम बुखारी से भी आपकी हसरत इंशाल्लाह दूर कर दूंगा। मौज से बाहर ना जाए, मौजू के अंदर रहें इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप कुरान पेश करें और हकम हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के उसको पेश करें। मैं कुरान करीम की आयत आप पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो आदमी मेरी नसीहत से एराज करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा, मुश्किल का जीना होगा। ये तंगी का जीना क्या है? ये अजाब कब्र है, ये कब्र की जिंदगी है। और इसके मुतल्लिक हुजूर नबी पाक सल्लम का फरमान है, मैंने बजात आप सल्लम की पेश की है, देखें मुस्तरक के हाकम, ये हदीस की मिजाब है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, और वो फरमाते हैं, या इन लहू मईशतन ज़ंका से मुराद कब्र की जिंदगी, कब्र के बारे में है, कब्र के अज़ाब के मुतल्लिक है। आप मैंने आयत पेश की, तशरीह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की है, आपने राय नहीं पेश की, आपने आयत पेश करनी तशरीह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करनी, वरना आप किसी को मैं नहीं मानूंगा। अगली बात, मेरा टाइम है अभी ना, अभी ना बोले हजरत नूह, दूसरी आयत, दूसरी आयत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां नाफरमान थी। कुरान करीम में मरी तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि लदखुलन नार मअद्दाखिलीन, सूरह तहरीम है और इसकी आयत नंबर 10 से पारा नंबर 28 है। अब दाखिल हो जाओ, कहा गया दाखिल हो जाओ अन नारा दोजख के अंदर। अब आप मुझे बताएं ये कौन सी दोजख है? ये वही दोजख है जिसको अज़ाब कब्र कहती हैं। तीन आयतें, दो आयतें, तीसरी आयत, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, बोलो जिन्हें झुठलाया हमारी आयतों को और तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तह लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। अब आसमान के दरवाजे कब नहीं खोले जाएंगे? ये हुज़ूर नबी सल्लम की तशरीह है, मैं इसको पेश करता हूँ। देखिए मुस्लिम इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 56 और 57, इसमें रिवायत है कि हुज़ूर नबी सल्लम फरमाते हैं, खबीस रूह, काफिर की रूह जब आसमान पे ले जाई जाती है, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। और हुजूर नबी पाक फरमाते हैं, हाँ जी फरिश्ते की हूँ ना भी ही, फरिश्ते रूह लेकर जाते हैं तो दरवाजे के खोलने का मुतालबा करते हैं, लेकिन फला युफ्ताहु लहू, उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। अब मैंने आयत पेश की है, मान आपने नहीं पेश किया, वो पेश के जो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। अब आप आयत पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह पेश करके बताना, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। बड़ी खुशी से न माने, पहली बात ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि मईशत ज़ंका से अज़ाब कब्र मुराद है, कुरान के कोई लफ्ज़ एक में इस बात नहीं है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मौज़ू रवायात को, मजरू रवायात को दाखिल करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़ के अंदर तक ना अज़ाब का जिक्र है, कब्र का जिक्र है, ना कब्र की जिंदगी का। इस पर मैंने तफसील से इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह पहली जो आयत आपने सुम्मा युहयीकुम सुम्मा रहतो जाओ, उस पर तफसील से मैंने लिखा है और अहले इल्म की राग नकल करके लिखा है, मैं उसका जवाब दे चुका हुआ हूँ। और इसके बाद आपने तीसरी जो आयत पढ़ी, फिर मैं कहूँगा कि आपने दोबारा बच्चे की मसाल दी, बच्चे का, बच्चे की ज़िंदगी नामुकम्मल नहीं होती जब तक बच्चा जब जिंदा होता है और अव्वल तो इब्तदाई सेल से ग्रोथ करता है, और आज तो बहुत तहकीक हो चुकी है कि बच्चा जिंदा होता है और इब्तदाई से जिंदा है, फिर जिंदा ही पैदा होता है, जिंदा ही बढ़ता चला जाता है, कहाँ ज़िंदगी बदलती है उसकी? क्या वो दुनिया में आकर के नई ज़िंदगी लेता है या वही ज़िंदगी जो है वो ग्रोथ कर रही होती है? इसलिए ये मसाल आप दोबारा कह रहा हूँ, गलत इस्तेदाल है आपका। इस आयत में ये बात नहीं कही गई, इस आयत में ये कही गई है कि तुम्हारा कभी वजूद ही नहीं था, तुम वजूद ही नहीं थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और फिर हमारी नस्ल चलाई। ये सारी तफसीलात मैंने इस किताब में लिखी हुई हैं। इसलिए ये बहस आप दोबारा सौबा करें, मुझे मैं आपको रोक नहीं सकता, आपका हक है, करिए। इसके बाद ये जो आयत आप फरमा रहे हैं कि आसमानों में रूह चढ़ती है, आप रूह की तारीफ करते करें ना पहले कि रूह होती क्या है, क्या चीज़ है रूह क्या चीज़ है, क्या इंसान, ये सवाल है। सनैया का मज़र है, दो मजीदों का मज़र है, ये साबित करेंगे आप। और एक है रूह, एक है बदन, बदन मरता है रूह जिंदा रहती है, गोया 50-50 मामला, आधा इंसान मर गया
आधा जिंदा रहेगा और जो आधा जिंदा रह गया उसको आपको कालम देना पड़ेगा। ये वो अकीदा है जो काफरों का अकीदा है, ये हिंदुओं का अकीदा है, ये मजूसियों का अकीदा है, ये यूनानियों का अकीदा है। ये तफसील मैं पूरी लिख चुका हूँ इस किताब के अंदर। आप बड़ी खुशी से इसका जवाब लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इन अकायद को रद्द करेंगे, करके दिखाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बुजुर्ग, इसका इस आयत का ये मतलब नहीं है। जवाहरुल कुरान में गुलामुल्लाह खान ने इसको साफ साबित कर दिया कि ये कल क़यामत के मुतल्लिक है, इसका दुनिया के दीन के साथ कोई तल्लुक नहीं। मजरू रवायात पेश करने की कोई जरूरत नहीं। ये रवायात जो है, इन रवायात को उस किताब से हमारे सामने रखें, अभी निकालेंगे उनके हरामियों के हालात और देखेंगे कि ये मुसनद हाकम की रवायत है, इब्न अबी शैबा की रवायत, ये क्या है। ये इब्न अबी शैबा वो हैं और इनके भाई वो हैं जो इस कुरान को किरत कोई नहीं मानते। ये भी मैंने तफसील से लिखा हुआ है, मौजूदा जो किरत है ये तो मानते नहीं उनको। ये इसलिए ये आपने जो रवायत पेश की है उसका आगा पीछा आपने पेश नहीं किया। रवायत पेश कर रही है, उसकी सनद पेश करें, उसका पूरा मजमून करें ताकि उसकी सनद को चेक किया जाए कि ये क्या है, असूल हदीस क्या है, दराज क्या है। उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि ये कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक साबित भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या महाजरा भी ने अपनी रवायत की वजह से लगा दिया ना आपके पास। कौन नहीं जानता कि मौजूद कम बात लगे हुए हैं, क्या मुन्ना अली हनफी ने मौजूद नाम की किताब लिख के साबित नहीं किया कि मुनगढ़ से मौजूद है। तो फिर इसलिए हर रवायत रसूल का कौल नहीं होता, हर रवायत रसूल तक नहीं पहुँचती। इसके उसके लिए असूल है, उन असूलों की रोशनी देखा जाएगा और उसके मतन को भी देखा जाएगा, उसकी सनद को भी देखा जाएगा, फिर देखेंगे। फिर आप बात तो नहीं सुन रहे, आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं ना। हर ये नहीं तरीका है कोई, ये तरीका नहीं है। हमने आपके सामने तो नोट कर रहे, आपसे बात करते ही जरूरत के वक्त नहीं, ये क्या बात है, मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे करते हैं वो करते हैं, मुझसे करते हैं वो करते हैं। भाई आप उसके साथ क्यों मुखातिब होते हैं, आप मेरे साथ रहे। मैं आपका चेहरा मुबारक आपकी बात नोट कर रहा हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक उसके दौरान देखता रहता हूँ। देखिए आपने हमारी किताबें यहाँ लाई, मैंने कहा किताबें लेकर आओ, मैंने कहना कि नहीं कहना। आपने कहा रवायत मौजूद है, मैं आप उसकी कसरत खोल के आपको नहीं, मैंने साबित करना मौजूद है, मैं मौजूद नहीं कहा, मैंने कहा कि रवायतों की हम रिकॉर्डिंग सुना दें आपको, रिकॉर्डिंग सुना है आपने मौजूद कहा इस रवायत को, रिकॉर्डिंग सुना दें, रिकॉर्डिंग करिए। अगर आप ऐसी रवायत पेश करें जो मजरू हो, अगर मजरू मौजू की बात की आपने और अगर मौजू हो, चलो मैं फिर कहता हूँ, अगर आप मौजू साबित कर दे, मौजू कैसे साबित, मैं सनद दिखाता हूँ आपको, रावी आप मौजू साबित कर दे, रावी से होगी ना, जब रवायत आप साबित कर दे मान लूंगा। जब रावी आएंगे अब रावियों के हालात पड़ेंगे, जब छत्र के सामने आएंगे। ना मधु नसली रसूल करीम अम्मा बात। देखिए जी मोटी सी बात है, जो आयशा ना समझ रहे ना आ सके समझाना चाहते हैं। रूह जो है, कहते हैं जी रूह क्या है, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में मसले को हल कर दिया, जितना का अल्लाह पाक ने बताया हम उसी कह रहे हैं। रूह बोले रूह मिन अमरी रब्बी, इतने बताया ना आप, फरमा दीजिए कि रूह जो है मेरे रब का हुक्म है। अब इससे ज़्यादा मैं रूह की क्या वजाहत करूँ जो कुरान पाक में लड़े फरमा दी मैंने कर दी। आप लफाजी में ना जाएं, जिसकी वजाहत आगे अल्लाह पाक ने कुरान करीम में नहीं फरमाई, अपने अकल से आप गलत इस्तेमाल ना करें। नंबर दो, आपने मैंने जो आयात पेश की हैं आपने उनका जवाब नहीं दिया अब तक। मैंने हुजूर ने कसर की तशरीह पेश की, आपने कहा कि रवायत मौजू है। मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं हदीस भी आपको किताब दिखाता हूँ आपको, रावी भी सामने आएंगे, आप उनको मौजू साबित करें। अगर आपने कहा है कि मैंने मुहद्दिसीन को सूल के मुताबिक जला करनी है, मुहद्दिसीन ने अगर इस रवायत को मौजू करार दिया जो मैंने पेश की है, मैं आपके अकीदे पर आ जाऊँगा। अगर मुहद्दिसीन ने इस रवायत को मनगढ़ंत करार नहीं दिया तो फिर आप मेरे अकीदे पर आ जाएं, फिर झूठ बोलना छोड़ दें, गलतफहमी दूर कर लें। नंबर दो, आपने देखें एक है रावी पर जरा, तवज्जो करना जरा मेरी बात की तरफ, रावी पर जरा, एक है हदीस का सही ज़ईफ या मौजू होना, दो अलग चीज़ें हैं। देखो अगर इस रावी पर जरा है, हम सबसे पहले देखना जरा करने वाला कौन है। जरा करने वाला आदमी अगर मोतबर है तो उसकी जरा ही मोतबर होगी। बसा औकात जरा करने वाले मुतशद्दिद हैं, मुतशिन लिखा है, जरा करने वाले मुतअन्नत हैं, उनकी जरा मोतबर नहीं है। और जिसकी जरा मुबहम है वो कहता भी ये रावी में फलाह, ये रावी मोतबर नहीं, वजह क्या है बयान नहीं करता। जरा मुबहम मोतबर नहीं है, जरा मुफस्सर मोतबर है। आप मुझे दिखाएं कहाँ है निशान मिजान, आपके हवाले दिए आपने तहजीब तहजीब के, जरा मुफस्सर आप मुझे दिखा दें यहाँ पर कहाँ है। नंबर दो, अलामा इब्न हजर और अलामा ज़हबी
जो कि असमार जार जिन किताबों को लिखने में जिनके आपने हमारे दिए हैं, अगर वो इस हदीस को मोतबर कहें तो मेरी बात ठीक है, अगर मोतबर ना कहें तो आपकी बात ठीक है। आप जो हमारे दिखाएं किताब की बात ना करें, बहुत झूठ बोल रहे हैं इसमें, बहुत झूठ है इसमें। आप अपनी पेशाबत दिखाएं, ये देखें किताब को फोल्ड करें जल्दी, आप अब हम साबित करें रिवायत मौजूद है और आयात मैंने पेश की उनका आपने जवाब नहीं दिया। आप साबित करेंगे जुबानी कहने से कुछ ना होगा, किताब की बात नहीं है, किताब का जवाब किताब आएगा। सामने बात करें मुझसे, ये असमार जार किताबें हैं, आपने ख्याल से काम लिया है। एक रावी के मुतलक अगर 95 लोग, मिसाल दे रहा हूँ, 95 लोग कह रहे कि सिक्का मोतबर है, 5 लोग कह रहे कि ये गैर मोतबर है, आपने अपनी नजरिए के अपनी सोच के मुताबिक वो 5 लोगों की बात को ले लिया, 95 लोगों की बात सुन लिया। आपका गांव है, आपके गांव में 95 लोग आपको बदअकीदा कहते हैं और 5 लोग बैठे आपको सही कहते हैं। आप मुझे बताएं आपके मुतलक क्या फैसला है? आपने ये बदगंती की है जो जरा का आप नाम लेते हैं ना, आपने तमन्ना मादी किताबों से जरा चुराई है। आप असल किताबें तहसीब तस्वीर निकाल के दिखाएं। अगर उसी तहसीब तहसीब में मैंने इस रावी का सिक्का होना दिखा दिया, मैं आप तौबा कर लूंगा और मैं आपके कीदे पे आ जाऊंगा। दे किताब उनको, किताब मैं देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट हो गए जी? जी है, तो आप 5 मिनट को छोड़े अरे टाइम नहीं, नहीं टाइम जो जिना हम बता देना, तो 2 मिनट आपने फरमाया है। ठीक है जी, है टाइम है, मैं बता देना टाइम जरूर। मैं आपको किताब खोल के दे रहा हूँ। बात यह है कि हजूर नबी पाक सल्लम की वजाहत को आप रद्द कर रहे हैं और कह रहे रवायत मनगढ़ है, आपने रवायत को मनगढ़ साबित करना है। निकालेंगे सफा 256, सफा 256 निकालेंगे। रवायत को आपने वही साबित करना, टाइम हो गया, कोई मसला नहीं। आप उनका टाइम शुरू कर, आप ये अच्छा आपके पास किताबें हैं, आप किताबों के हवाले साबित करें, जुबानी आपकी बात नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, हम इस पर आएंगे। क्यों ना, ना आपने मौजू कहा है रवायत को, मेरी रवायत को सही साबित ले। मोहद्दी सिंह ने क्या कहा? मोहद्दी सिंह की राय पेश करें, अपनी पेशा पैदा पेश करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चले मोहद्दी सिंह की राय पेश करेंगे। शुरू हो गया, मैंने किसी रावी पर जो कुछ नकल किया है उसकी तदील भी नकल की है। आपने 3-4 दफा कहा कि आप झूठ बोलते हैं, आपने चुराया है, मैंने तदील भी नकल की है, मैंने चुरा भी नकल की है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी। मैं आपको मुतवज्जे करूंगा, आप मुझे कैसे एक दूसरे ये दो आप बात करेंगे, मैं आपसे नहीं बोलना। हम मदरू व रसूलिय रसूल करीम अम्मा बात, देखिए जी बात यह है, इन्होंने कहा कि रूह के मुताबिक साबित करें मखलूक है गैर मखलूक है। इन्होंने मखलूक होने का इनकार किया है, क्या रूह रब है? मैंने रूह के अभी आपने नहीं बोलना, अभी आपने नहीं बोलना, अभी आपने नहीं बोलना, अभी आपने नहीं बोलना, वही बात है ना जी। मैं मेरी बारी आती है, आप कहते दरवाजे बोलता है, मैं मानता हूँ, बहुत शुक्र। इन्होंने कहा कि आप साबित करें मखलूक रूह जो है मखलूक है। मैं कहता रूह खालिक है, रूह खालिक है, रूह रब है, ये सीधा शिरक नहीं है। नंबर दो, जिस चीज़ के मतलब अल्लाह पाक ने वजाहत नहीं फरमाई, आप मुझसे कैसे वजाहत मांगते हो? मेरा मौजू आपसे कब्र में अजाब और सवाब का है कि रूह की तहकीक है, रूह की तहकीक पेश करो। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह के मतलब इतना फैसला फरमा दिया, मैं नामी रब्बी, अब आप मुझसे ये फैसला करते हो, कुरान के खिलाफ कर रहे हो। अगर इसकी तहकीक की जरूरत थी, रब तआला यस रूह का रूह के जो आप कह देंगे ये फला चीज़ है। नंबर दो, देखें अगली बात है कि मैंने आप मैंने रवायत पढ़ी, आयात पढ़ी, आपने आयात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर मेरे पास तशरीफ पेश की है, हदीस पेश की, आपने कहा हदीस मौजू है। मैंने आपके सामने किताब रख दी है, मैंने कहा इसको आपके पास असमार जार किताबें हैं, आप कहते हैं मेरे पास सारी किताबें हैं, मुझे पता आप इसकी किताबें मैं देख रहा हूँ, वो सारी सरका की हैं आपने तमन्ना मादी किताबों से। आप अपने किताबों से निकाले मिजान इतदाद, निकाले निशान मिजान कहाँ है आपके पास, उससे साबित करें ये राजू जो है मजरू है। नंबर दो, मैंने आपसे कहा ये रवायत अपना मुहद्दिस कबीर अल्लामा इब्न अबी शैबा ने नकल की है, आप उसके भाई पे चले गए हैं। मैं इब्न अबी शैबा की बात करता हूँ जो मुहद्दिस है, जिसने ये किताब लिखी है, आप उसके भाई की तरफ निकल गए जो है ना बात को जाने के लिए। मैंने भाई की बात ही नहीं की, ये मैंने किताब आपके सामने रख दी है। और इस हदीस को किन किन मुहद्दिसीन ने कहा ज़ईफ है, किन किन मुहद्दिसीन ने कहा शाज़ है, किन किन मुहद्दिसीन ने कहा यह मौजू है, आप इसके हवाले पेश करें। बात मुहद्दिसीन की मौत होगी आपकी नहीं, आप कहते हैं मुहद्दिसीन को शुरू कर देता हूँ, बात उनकी ले ली और बतंगड़ अपना बनाया हुआ है। आप मुझे हवाले पेश करें, फलां मुहद्दिस ने फलां ने फलां ने फलां ने इसको ज़ईफ़ का रवायत को आप जो दिखाएंगे
قرآن کریم کے آیات میں پیش کر رہا ہوں, آپ نے ان آیات کا جواب نہیں دیا ابھی تک, میں مزید اس پہ آیات پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, سورہ حج آیت نمبر جو ہے 31 ہے, پارا نمبر 17 ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے گویا کہ آسمان سے گر پڑا. اب یہ آیت ہے, اس کی تشریح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ کون نازل کیا, آپ کی تشریح کریں, میں تشریح پیش کر رہا ہوں, آپ روایت کو مو ثابت کرو. حضور پاک فرماتے ہیں کافر کی روح جب اس کو آسمان پہ لیا جاتا ہے تو دروازے نہیں کھول جاتے بلکہ اس کو زمین پر پھینک دیتا ہے. فرمایا فَتُطْرَحُ رُوحُهُ تَرْحًا, کہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے, پھینک دیا جانا. ہاں جی, پھر فرمایا, ہاں جی, پھر آپ نے آیت پڑھی, ہاں جی, یہی آیت قرآن پاک کی, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, مسلم نبی بن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 257 اور 58 آپ کے پاس ہے. آپ روایت کو محدثین سے جو ہے نا موضوع ثابت کریں, ضعیف اور ثابت کریں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. رابی بیچارہ اپنی کتابوں چوری کر کے لکھی ہے وغیرہ نکالے بھی ضرورت پس کہاں ہے, اور ثابت کریں اس کو. اگلی بات, قرآن کریم کی اگلی آیت, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 5, وَلَنُذِيقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, سورۃ سجدہ آیت نمبر 22, پارا نمبر 21. اب اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. اب چھوٹا عذاب کیا, یہ قبر کا عذاب ہے, بڑا عذاب آخرت کا عذاب ہے. قبر کا حساب و کتاب مختصر ہے, اس کی سزا بھی مختصر ہے, اور قیامت کے بعد کا حساب و کتاب تفصیلی ہے, اس کی سزا بھی تفصیلی ہے. اب اس آیت کی تشریح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں دیکھیں, فرمایا کہ وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, کافر کے متعلق فرمایا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دی جاتا ہے. فرمایا فَيَاتِيهِ مِنْ جو ہے حَرِّهَا وَسُمُومِهَا, اب جب دوزخ کا دروازہ کھل گیا اب اس کی تپش اور لو جو ہے اس کی طرف سے آتی ہے. قرآن پاک میں فرمایا من العذاب الادنى, من کا لفظ استعمال ہوا من تبریز کے لیے, اگر آپ نے صرف نہ وہ گرامر پڑھی ہو وہاں بھی من ہے, اور یہاں حدیث کے اندر وہی من تبریزیا ہے, من حرها وسمومها, تو لہذا قبر میں عذاب جو ہے یہ چھوٹا ہے, کم ہے, کچھ ہے, آخرت کا عذاب بڑا ہے. اب یہ میں نے آیت پیش کی, مانا بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا, آپ نے ابھی تک ایک آیت پیش کی ہے اور میں نے اس کا مطلب بھی پیش کر دیا, اور ابھی تک آپ نے جواب دے سکے بھی, آپ کا دعویٰ ہے زندگیاں دو ہیں, بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے, کسی زندگی ثابت ہوئی, قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, آپ کی پڑھی ہوئی آیت کے خلاف تو نہیں ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دو زندگیاں ہیں, جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے, وہ تیسری زندگی کہاں سے آ گئی, اس کو آپ مانتے ہیں یا تو کہہ دیں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں ہے. دو زندگیاں دو موتیں ہیں, تیسری زندگی کہاں سے آ گئی, ابھی تک آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا. خدا را آپ اس طرح ظلم نہ کریں, یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ ہم اس پہ آیات پیش کرتے رہیں گے. آپ آیت پیش کریں, مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں. جی محترم, اس روایت پر, ابو داؤد کی روایت پر پوری مینیجر لکھی ہوئی ہے, لکھنے کو چھوڑ دیں, مجھے بات میں لکھی کا مجھے مجھے کتاب نکال کے دکھائیں, جھوٹ ہے یہ سب, خیانت ہے سب یہ. اگلی بات, اگر یہ جھوٹ ہے, کتاب کا جواب کتاب ہوگی, کتاب کا جواب کتاب ہوگی, میرے سامنے بات کریں, ابھی پتہ چلے گا نا, ہمیں بتائیں گے, ہمیں دکھائیں گے, کہاں جائیں گے, کہاں نکالیں اور اس کو پڑھیں. ایک منٹ, یہ اس کا جواب دیکھو, میری بات آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ, کوئی جھوٹ نہیں مجھے بتا کہ میں, یہ جھوٹ ہے, یہ اس کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اب اصل کتاب, آپ نے تین مرتبہ یہ جھوٹ بولا ہے, تین بار مثال اتا ہے, بچے کی زندگی تین مثال اتا ہے, تعظیم و تعظیم لائیں, تین لوگ ان نکال کے دکھائیں کہاں جان لکھا ہے آپ نے. ایک منٹ, یہ تھائی کی بات ہے, تیزی نہ دکھائیں, بس ہے ہم, بس اتنے تیزی نہ دکھائیں, اسی کی طرح وہ اسان ایک منٹ, تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, زبان پر کنٹرول رکھو, اپ اس زبان پر, بس اپ نہ بولیں, اپ نہ بولیں, دیکھو اپنی زبان بولنا کنٹرول رکھیں, جھوٹ نہ بولیں, آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات جو آپ بات پر جھوٹ 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 دیکھیں, اگر آپ نے جھوٹ بولا تو میں نے کہا, یہ کتاب آپ مجھے نکال کے دکھائیں, پھر یہاں مدرسی نے کہاں کہا ہے حدیث ضعیف ہے, پڑھ کے سنا دیں نا, راوی پر جرا نہ دکھائیں, مجھے دکھائیں حدیث ضعیف ہے, جب راوی مجروح ہوگا روایت مجروح, چانوے پیچھے راوی اور اس محدثین صحیح کہتے ہیں, وہ کتاب مجالتا نکالے, میں اسی کتاب سے دکھاتا ہوں محدثین صحیح کہتے ہیں, آپ پچانوے کی بات نہیں مانتے, میں کیوں مانوں, بات یہاں ہے, بات کیوں مانوں کہتے ہیں, ہاں کیوں مانوں, میں نے تعدیل لکھ دی, میں نے جرا لکھ دی,
मैं दिखाई कहाँ लिखी है किसकी? मैं आपको तदीर से ज्यादा ना दिखाऊंगा तो फिर आप मैं अपनी शर्त लिख ये यही है रिवायत पढ़ के सुना दें ये सुना दें आप निजाम अस्पताल यार जो मैं कहता हूं ये रखो नहीं वो ये किताब मुझे इसको छोड़े क्यों किताब नहीं दिखाएं ये झूठ है लिखी है मैंने चैलेंज किया हुआ है जो अगर मैंने दिखा दी आपको तौबा करनी पड़ेगी सबको आप लोग काफर कौमों को चैलेंज किया कि ये काफराना अकीदा तीसरी जिंदगी का ये मजूसियों का अकीदा ये हिंदुओं का अकीदा ये जुरानियों का अकीदा मुसलमानों का अकीदा नहीं है आप बच्चे की जिंदगी और तीसरी जिंदगी कह रहे हैं और बार बार ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए बच्चे की जिंदगी तीसरी नहीं है बच्चे की जिंदगी कोई बात करनी इनका टाइम खत्म होगा मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ एक बात करूंगा एक मिनट के लिए आपसे इतनी लंबी किताब कौन पढ़ते एक आध हवाले पढ़ते क्यों मैं पढ़ ये आपके सामने पढ़े 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 एक आध पढ़े ना क्या क्या कौन सा पढ़े कोई पढ़े कोई हमें हर समझाए क्या मतलब हदीस तो मोर साबित करें आपने कहां साबित किया एक आध हवाला पढ़ते जो ये बात भाई आपके सामने ये सब कुछ आपके ऊपर लिखा है लिखा हुआ ना मैंने यही लिखा है झूठ है मौजू साबित दिखाया आपने कहां लिखा सब एक हवाला पढ़ते हैं साबित करेंगे हदीस मन घड़त है किस मौत से नकल किया आपने मैं दिखाया वाला हमने किसी को नहीं कहा कि ये फलां है ये फलां अपने कर्म से मैंने किसी को नहीं कहा कि ये झूठा है किसी को नहीं कहा ये सच्चा इसको मदद क्या कहता है लिख दिया इसको मदद तदील कर रहा है लिख दिया इसकी मदद जरा कर रहा लिख दिया अब ये बता दिया कि कुरान मजीद की जो याद ये पढ़ रहे हैं कितनी याद इन्होंने उस आयत के अंदर जो है उस कुरान की आयत में तदील करके निकाल रहे हैं मैंने कहा कि ये रवायतें जो पेश कर रहे हैं आप जिसको जो पेश आप करेंगे ना चीज उसको साबित करना आपकी जिम्मेदारी है बाकी नहीं है जो पेश करेंगे वो साबित करेंगे उसको मैंने आपको कहा कि आप कहते हैं तीसरी जल्दी बच्चे की होती है अकल की बात करें बच्चा पैदा हो गया बच्चे के अंदर जान आ गई वही जिंदगी चल रही है क्या बच्चा बाहर आकर तो फिर दोबारा जिंदा होता है अकल की बात करें चलिए ठीक है हो गया मैं तुमसे बात करूंगा बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि ये जो अकीदा है ये बुत परस अकवाम का अकीदा था कब्र का और ये काफिरों का अकीदा है तो सवाल ये है अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सहसत्ता के बारे में कि हनफी सहसत्ता के मुनकर हैं तो क्या ये अकीदा इमाम बुखारी ने लिखा है तो वो भी काफिर इमाम मुस्लिम ने लिखा है वो भी काफिर इमाम तिरमिज़ी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा आप ये फरमा रहे हैं काफिरों का अकीदा बुत परस अकवाम का अकीदा है तो क्या इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम नसाई आप काफिर नहीं कह रहे आपने अगली कलम में जवाब देना इसका आपका सवाल है आपका सवाल हुआ है आपने इसका जवाब देना है जवाब सोच ले पाँच मिनट मैं बात मेरी मेरे पास हूँ मौजू है अज़ाब कब्र शुरू में लिखा कि इसको साबित करना है कुरान मजीद से और सही हदीस से ठीक हो गया और मौलाना फरमा रहे हैं बार बार के मैंने आयत पढ़ी है मैंने आयत पढ़ी है आप सब सुन लें जब कुरान एक आयत पेश करते हैं कि उसमें अजाब कब्र का लफ्ज हो अल्लाह कहे कि मुर्दे को कब्र में अजाब होता है अजाबुल कब्र का लफ्ज आ जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी पूरे कुरान में एक दफ़ा अजाब कुरान में अजाब के लफ्ज जो हैं अजाब अजीम अजाब अलीम अजाब जहन्नम अजाब अन्नार अजाब शदीद अशद्दुल अजाब ये सारे हैं लेकिन नहीं है तो अजाब अल कब्र नहीं है अगर है तो आप दिखा दें उन्होंने पहले रन में भी पूरे कुरान में अजाब का इंकार भी नहीं है अजाब अल कब्र एक मिनट मेरी बात सुनिए आप अजाब अल कब्र की जो जिस आयत में अजाब अल कब्र का लफ्ज है वो पढ़ें आप वो लफ्ज आयत पेश कर दें इन्होंने इतनी आयतें लिखी है जिस आयत में यह हो कि कब्र में अजाब नहीं है ये पेश कर दें
आप पेश करिए, वो पेश कर दे, दोनों उसमें भी कबर का लफ्ज हो, उसमें कबर का अदाब नहीं है। आप एक आयत पेश कर दें कि जिसमें कबर का, इसी पे फैसला कर लें। अगर कबर का लफ्ज दिखाना है ना, जा चलिए ये बात बिल्कुल गलत है। हदीस पेश कर दें जिसमें, अरे जो बात मैंने की, आप कहीं काफराना नहीं कीजिए, आपने ये जवाब दे दिया, आपके डर में जवाब, आपने ये बात सही कर ली कि जो बात है कुरान में आपके इमाम बुखारी कबर का लफ्ज नहीं है, ये हमें कह रहे थे कि आप सियासतदा के मुनकर हैं। आप बताएं सियासतदा पे कुफर का फतवा किसने लगाया है? तो इतनी बात तय कर दें, ये कह रहे हैं जवाब देना इसी का जवाब देना, इसी बात खत्म कर देते हैं, इसी पे बात खत्म कर देते हैं। तो मैं, मेरा सवाल ये है कि क्या इमाम बुखारी ने इस अकीदे को नकल किया है या नहीं? अगर नकल किया है तो फिर वो काफिर ठहरा आपके बकौल, इमाम बुखारी नकल नहीं किया तो हम किसी भी इमाम ने रवायत लिखने के बाद कब लिखा उस पर, उसने लिखा ही नहीं, उसने रवायत लिखी। आपका वक्त खत्म है, आप इस कंप्यूटर में जवाब दें। एक मिनट कारी साहब, इस सवाल का जवाब देंगे आप, मैं मुंडे ने भी टाइम दे, एक मिनट ही सुनो, देखो जी फिर और मिनट टाइम दे, और मिनट आप गुफ्तगू उसी कर रहे हैं ना जी, तो पिछला को मेन्यू टाइम दे। हां जी देखो, आज तक अब मैं थानू एक गल दसना चाहना हां, जेरी टाइम ले लेना कोई इधर जुड़ो नहीं, तुसी भी साल ले लो, वो भी साल ले लेंगे। इधर देखो टाइम हो गया है, मैं झूठा कहना, मेरी गल सुन लो, कुछ ना कहना झूठ बोल दिया, कैसे रुक एक मिनट, कैसे रुक कहना चोर चाचा जी, मैं अखलाक यार पे खड़ा, अखलाक नहीं देखो ना, एक पता चोरी की थी और भी नहीं है, चोर नहीं बोलना साहब, तुम चोर हो, एक मिनट रुको, मेरे चोरी साबित कर दो, तुम झूठे, मैं साबित कितने बार यार, बच्चे की जिंदगी साहब, एक तीसरी जिंदगी नहीं फेंका बच्चे की, वो तो हर जगह है, क्या सुनना है, देखे ये जो बात है देखो, ये कहा है, ये बात है कि ये नहीं गलत नकल की, चाचा एक मिनट मेरी गाने सब ले, हमने झूठा नहीं, एक भाई पास मत किया था, वो मैं बोल रहा हूं, अच्छा दूसरी गल के जो तुम पढ़िया पढ़िया इदा भी पढ़िया सब कुछ मेरे भाई गल ये कि यही जगह है ये इस गल की जगह वास्ते नहीं बेहतर मेरी से ठीक नहीं है जल्दी लेके अपना कारी साहब इधर देखो बंदे सारे गुफ्तगू सुन दे
पढ़िया सब कुछ किताब जरा अखलाक याद गल खिलाफ करते इन्हें गल पढ़िया सब कुछ किताब के बिच है तुम जरा अखलाक याद गल खिलाफ करते ये मेरे कजिन राला बड़ी शान वाला अकीदे का हर दम करे बोल बाला मेरे कजिन राला बड़ी शान वाला अकीदे का हर दम करे बोल बाला अकाबिर के मसलक का ये हमारे उस्ताद मोहतरम शेख तरीकत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह ने भी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के इन तालीमात और इन तरीकों को इख्तियार करते हुए आपने भी इन्हीं मैदानों में काम किया है, खुद भी काम फरमाया है और इसके लिए अपने तलामिज़ा और खुलफा की बहुत बड़ी खेप और जमात भी तैयार फरमाई है, चाहे वो तकरीर हो, चाहे तहरीर हो और चाहे मुनाज़रा और मुजादला मुबासा की शक्ल हो, हर सूरत में आपने इसके लिए खुद भी मेहनत फरमाई है और अपने शागिर्दों को भी तैयार किया है। कुरान करीम में अहादीस में सरातन जो है अज़ाब कब्र की आयात मौजूद हैं। दूसरी बात कि जितने इस्लाम के तबके हैं वो सारे के सारे अजाब कब्र के कायल हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने अजाब कब्र की वज़ाहत फरमाई है, खुलफ़ाए राशिदीन ने अजाब कब्र की वज़ाहत फरमाई है कि अजाब कब्र होता है, सवाब कब्र होता है, और इसी तरह सहाबा किराम ने अजाब कब्र सवाब कब्र को मुतबर करार दिया है। उलमाए उम्मत मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फुकहाए किराम मुतकल्लिमीन दुनिया का हर इल्मी शोबा जो है इस नज़रिए का कायल है।